एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठ कर देखिए दोस्तों, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये डीवाई चंद्रचूड कह रहे हैं दोस्तों। एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठ कर देखिए आप, कि आप जान बचाकर भागते फिरोगे। इससे पहले आप भी सीजे चंद्रचूड को सपोर्ट करते हो तो कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट सीजीआई जरूर लिखे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सीजीआई को डराया धमकाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों सीजीआई पर दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों सीजीआई चंद्रचूड एक वकील पर भड़क उठे दोस्तों, उन्होंने कहा कि आप एक दिन मेरी जगह पर आकर देखिए, आप मेरी कुर्सी पर आकर बैठ कर देखिए, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कुछ ऐसा बोल दिया था कि डीवाई चंद्रचूड काफी नाराज हो गए और उसको धमका दिया दोस्तों, और उसको चेतावनी दे दी कि आप एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठ कर देखिए, आप एक दिन मेरी जगह पर बैठ कर देखिए, फिर आप बताना कि आपके ऊपर कितना दबाव होता है, आपके ऊपर कितना प्रेशर बना रहता है। दोस्तों आखिरकार दोस्तों डीवाई चंद्रचूड और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज ने आखिर ऐसा क्यों कहा? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज पर दबाव है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज पर दबाव बनाया जा रहा है दोस्तों? क्या सीजीआई को डराया धमकाया जा रहा है? क्या मोदी सरकार ने डीवाई चंद्रचूड पर इतना दबाव बना दिया दोस्तों कि सीजीआई साहब कह रहे हैं कि आप एक दिन मेरी जगह पर, आप एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठ कर देखिए कि आप एक दिन भागते फिरोगे, यहाँ से डर कर भागते फिरोगे। दोस्तों ये सब कुछ सीजीआई चंद्रचूड कह रहे हैं दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को कह रहे हैं, और हो सकता है कि इसीलिए डीवाई चंद्रचूड सीजीआई दोस्तों अपने मन मुताबिक दोस्तों फैसला नहीं सुना पा रहे हैं। दोस्तों क्या नरेंद्र मोदी ने इतना दबाव बना रखा है सीजीआई पर? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पर इतना दबाव बना रखा है क्या? और इससे साफ जाहिर होता है कि दोस्तों डीवाई चंद्रचूड सुप्रीम कोर्ट पर किस तरह से सरकार दबाव बना रही है, सरकार नहीं तो सरकार के कुछ अधिकारी उन पर दबाव बना रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साफ साफ कह रहे हैं कि आप एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठ कर देखो कि आप जान बचाकर भागते फिरोगे। दोस्तों इससे यह बात साफ हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर कितना दबाव बनाया जाता है, इसीलिए ये दोस्तों अपना फैसला नहीं सुना पा रहे दोस्तों, अपने मन मुटाव से फैसला नहीं सुना पा रहे। तो दोस्तों मामला आपको समझते हैं कि ये पास साइड में आप देखिए, गौर से देखिए कि सीजीआई पर कितना दबाव है। एक वकील सीजीआई को इस तरह से कह देता है तो सीजीआई भी आप दुगुला हो जाते हैं। आप ये खबर देखिए दोस्तों, शिवसेना के विधायकों से जुड़ा यह मामला है दोस्तों। शिवसेना विधायकों को अयोग्य कराए जाने से संबंधित मामले में जल्द सुनवाई के लिए वकील बार बार आग्रह कर रहे थे कि न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड से कहा कि एक दिन आप हमारी जगह आकर बैठ कर देखिए। यह वकील कह रहा है, वो कोई नहीं कह रहा दोस्तों। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी जान बचाकर भागोगे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड और जस्टिस जेबी पालीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ महाराष्ट्र के राजनीतिक विवादों में संबंधित दो अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। तो ठाकरे गुट महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल अग्रवाल उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें जून 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाले गुट को असली राजनीतिक दल बताया घोषित किया गया था दोस्तों, और इसी मामले में सुनवाई हो रही थी। इसी मामले में सीजीआई चंद्रचूड आग बबुला हुए थे दोस्तों। इससे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर कितना दबाव है। दोस्तों इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।